हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर 19 अप्रैल टू 21 अप्रैल का। और सबसे पहले हम लास्ट जो है वीडियो उसकी रिवीजन कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था कि इंडिया का फर्स्ट वोटर पार्क जो है वो टू रेज द वोटर अवेयरनेस इंस्ट्रक्टिंग पीपल अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो हमने क्या याद किया था, जो पार्क है वहाँ कहाँ पर चाहिए। अब शहरों में तो ऑलरेडी पार्क है, ग्राम में चाहिए। तो आंसर आ गया गुरुग्राम। हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसका हमने क्या याद किया था, जावेद अख्तर। तो नजमा अख्तर। हु इज कन्फर्ड विद 2019 सिटी जर्नलिस्ट एक्सलेंस अवार्ड फॉर द लॉन्ग स्टोरी टाइटल जॉन जॉनसन एंड जॉनसन इन स्कूटिंग फ्रॉम द हिप, ये इसका नाम था टीना ठक्कर, क्योंकि जो ये थकती नहीं थी इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया। मीरा कुमारी मैसम जो है बिलोंग टू बीच स्पोर्ट, बॉक्सिंग थी, और इसने कहा था कि जो मैं अपना अवार्ड है अपने सनम को जो है वो डेडिकेट करती हूँ। और इंडिया का फर्स्ट फॉरेन इंट्रैक्टिव एंड एग्जॉटिक वर्ल्ड पार्क VIRD वर्ल्ड पार्क जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये मुंबई में SL वर्ल्ड में। तो आज जो हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं इसमें मैं आपकी साथ साथ में ही रिविज़न कराऊंगा, और आपने मेरे साथ ही बोलना है जब हमने रिविज़न करनी है, ताकि आपको जो है बाद में इसको जो है रिवाइंड करके ना देखना पड़े, आपको एक ही बार में देख के याद हो जाए। सो पहली न्यूज़ है, टाइम मैगजीन ने एक रिलीज करी है लिस्ट, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट। टाइम मैगजीन आपको पता है ये बहुत फेमस मैगजीन है, इसने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड के जो लोग हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी है, जिसमें इंडिया के तीन लोग हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेटर अरुंधति काटजू हैं, और एक और हैं मेनिका गुरुस्वामी। इन ये जो दोनों एडवोकेट हैं, दे फॉट फॉर द लीगल बैटल फॉर द LGBT कम्युनिटी। तो ये अरुंधति काटजू जो हैं और जो मेनका गुरुस्वामी हैं इनका 9th प्लेस है, और जो मुकेश अंबानी है इनका 13th प्लेस है। तो अब हमने ये भी हमने साथ में अब देखना है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम मैगजीन में जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उसमें कितने इंडियन हैं, तीन हैं। अरुंधति काटजू और मीना गुरुस्वामी की रैंक क्या है, 9th है। मुकेश अंबानी की रैंक क्या है, 13th है। अब इसका हमने शॉर्टकट कैसे बनाना है कि इसको कैसे याद करना है, देखिए आपको पता है कि जो मुकेश अंबानी है वो उनका बहुत तेज दिमाग चलता है, तभी वो नंबर वन बिजनेसमैन है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। अब कई बार हम सोचते हैं कि उनका तेज दिमाग क्यों चलता है, क्योंकि वो काजू खाते हैं। काजू से हमने क्या याद कर लेना है, काजू खाते हैं, काजू खाने से उनका दिमाग तेज चलता है, और वो नंबर वन बिजनेसमैन है इसलिए उनको सब अपना गुरु मानते हैं। तो हमने कैसे याद करना है, मुकेश अंबानी जो है वो बहुत तेज दिमाग चलता है क्योंकि वो काजू खाते हैं, और काजू जब खाते हैं और नंबर वन जो है वो बिजनेसमैन है इसलिए उनको सब लोग अपना गुरु मानते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट न्यूज होगी। सेकंड न्यूज है हमारी, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आ जाता है ये पेपर, हर बार ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। तो या तो इंडिया की रैंक आएगी, या किस कंट्री ने टॉप किया, या कौन सी कंट्री बॉटम पे है। तो सबसे पहले नंबर वन पोजीशन है नॉर्वे की, 180 कंट्रीज थी टोटल, 180th रैंक है तुर्कमेनिस्तान की, और जो इंडिया की रैंक है वो है 140th। तो आपने मेरे साथ बोलना है किस कंट्री ने वर्ल्ड प्रेस रेनो इंडेक्स में टॉप किया है, नॉर्वे। किस कंट्री ने सबसे बॉटम रैंक है, तुर्कमेनिस्तान, और इंडिया की रैंक कितनी है, 140। जो 2018 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 138, मींस दो रैंक और नीचे आ गया। तो इंडिया की रैंक कितनी है, 140। नेक्स्ट न्यूज है, सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू होस्ट G20 समिट, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं जो इनका जो G20 समिट होने वाला है, ये फर्स्ट टाइम जो है किसी अरब कंट्री में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, सऊदी अरेबिया में, कौन सी जगह पे, रियाद में। कब होना है, 2020, इस साल नहीं होना, अगले साल होना है, कि जो सऊदी अरेबिया विल होस्ट G20 समिट इन नवंबर 2020 इन रियाद, दिस विल द फर्स्ट G20 मीटिंग इन द अरब वर्ल्ड। अब इसको याद कैसे करना है, याद कैसे करना ही में ही शॉर्टकट है, रियाद से क्या बन गया, रियाद से बन गया याद। तो अब जो G20 समिट जो है उसको याद कर लो कि वो रियाद में हो रहा है, ठीक, इजी है ना। तो G20 समिट कहां पर हो रहा है, रियाद में हो रहा है, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट न्यूज है, IDBI बैंक लॉन्च NRI इंस्टा ऑनलाइन, NRI इंस्टा ऑनलाइन, इसको ध्यान से याद करो।
एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन क्या है? इट इज ए पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर एनआरआईज। एनआरआईज के लिए एक पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटीज स्टार्ट करी है किस बैंक ने? आईडीबीआई बैंक ने, और उसका नाम क्या रखा है? एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन। इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए क्या है ये। इट इज ए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फॉर एनआरआई, सारे एनआरआईज के लिए नहीं, रिजाइडिंग इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज, रिजाइडिंग इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर मेंबर कंट्रीज, और जो भी इन कंट्रीज मेंबर कंट्री में जो लोग रह रहे हैं एनआरआईज हैं, उनको जो है बैंक को विजिट नहीं करना पड़ेगा, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट नहीं कराने पड़ेंगे, लाइक केवाईसी प्रूफ्स नहीं देने पड़ेंगे, ये ऑनलाइन ही हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि किस बैंक ने जो है एनआरआईज के लिए जो है एक पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है, वो किसने करी है? आईडीबीआई बैंक ने, उसका नाम क्या है? एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन है। और कौन सी मेंबर कंट्रीज के लिए स्टार्ट करा है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर मेंबर कंट्रीज। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर मेंबर क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फाउंडेड इन 1989 विच डिवाइज पॉलिसी एंड सेट स्टैंडर्ड टू प्रमोट सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर सिमिलर थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है बेसिकली तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या आपकी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस में है, पेरिस में, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1989 में। तो कौन से बैंक ने स्टार्ट करी ये एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? किसने स्टार्ट करी? आईडीबीआई बैंक ने। और ये जो है किसके लिए स्टार्ट करी? कौन सी कंट्री के लोगों के लिए? जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फॉर मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। चलो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एडीबी एग्रीड टू ग्रांट हाइएस्ट एवर $3 बिलियन। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने जो है हाईएस्ट एवर $3 बिलियन जो है इन सॉवरन लोन्स टू इंडिया। इन सॉवरन लोन्स क्या होता है? जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है किसी कंट्री को जो लोन देता है उसको क्या कहते हैं? सॉवरन लोन्स कहते हैं। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला में, फिलीपींस में है, और इसके जो प्रेजिडेंट है टेक हिको नकाको है, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1966 में। देखो वर्ल्ड बैंक तो पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज के लिए कर रहा है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो सिर्फ एशिया की कंट्री को जो है वो लोन देता है। तो एडीबी ने जो है 2018 में जो सॉवरन लोन है वो हाईएस्ट एवर 3 बिलियन के जो है वो ग्रांट किए थे इंडिया को। तो इसमें जो है दो तीन प्रोजेक्ट्स थे, एक जो कच्छ जो है विंड प्रोजेक्ट था गुजरात में, इसके लिए दिया था 30 मिलियन, एंड एक 20 मिलियन दिया था अन्नापूर्णा जो है फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो जल्दी तो जो पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्योंकि बैंक के बहुत सारे पेपर आ रहे हैं, एलआईसी के पेपर आ रहे हैं कि किस बैंक ने जो है हाईएस्ट एवर जो है $3 बिलियन जो है सॉवरन लोन जो है वो इंडिया को दिए थे, दैट नेम इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, या कई बार एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मिथाली राज नेम्ड एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप तो आपको पता ही कि होने वाला अभी जून में, इवन जून में क्या है, मई जून दोनों में ही है। तो ये जो इसके साथ साथ ही ना एक स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसका जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया है मिथाली राज को। मिथाली राज पता ही आपको इंडियन क्रिकेटर है। अब ये होगा क्या, ये जो स्ट्रीट चाइल्ड क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन एंड फाइनल विल बी प्लेड एट लॉर्ड्स इन लंडन। अब आपको ये पता कि लॉर्ड्स का जो मैदान है वो लंदन में है, तो ये एक स्ट्रीट चाइल्ड जो है वो एक तरीके से क्रिकेट की प्रमोशन के लिए ये सारे इवेंट किए जा रहे हैं। तो इसका जो गुडविल एम्बेसडर बनाया है मिथाली राज को बनाया है। तो जब इसको मिथाली राज को, देखो कैसे याद करना है, मिथाली राज को जब गुडविल एम्बेसडर बनाया तो उसने मिठाई बांटी खुशी में, क्या बांटी? मिठाई। तो मिथाली से आप क्या याद कर सकते हो? मिठाई याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी, एक अर्थ साइज प्लैनेट जो है जिसका नाम है HD 21749b, ये रिसेंटली जो है डिस्कवरी हुई है इसकी नासा के टेस्ट एक्सपोनेंट मिशन में। टेस्ट क्या चीज है? टेस्ट है ट्रांजिटिंग एक्सपोनेंट सर्वे सैटेलाइट। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि नासा के
किस मिशन ने, किस सैटेलाइट ने जो है ये एक नया जो है प्लैनेट जो है उसकी डिस्कवरी करी है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, टेस्ट ने करी है, और सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि उस जो नया प्लैनेट है जो अर्थ साइज का जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है, और थर्ड अगर कुछ आ सकता है नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में है और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1958 में, थर्ड क्वेश्चन ये आ सकता है। और क्योंकि हम ये इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जो उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर में है, और उसकी फाउंडेशन करी थी विक्रम साराभाई ने। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो कौन सा प्लैनेट है HD 21749b, HD चैनल से आप याद कर सकते हो। ओके, किस सैटेलाइट ने, किस मिशन ने स्टार्ट किया ये, इसकी डिस्कवरी करी, इसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, नंबर टू क्वेश्चन। नंबर थ्री क्वेश्चन, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर फोर क्वेश्चन, नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु में। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल वीरा कमीशन्ड बाय जनरल बिपिन रावत। अब ये क्या है, पेट्रोल वेसल जो पेट्रोलिंग करेगा, तटरक्षक जिसको है ना, देखो जो कोस्ट गार्ड जो है तटरक्षक उसको हिंदी में कहते हैं, तो पेट्रोल वेसल है ये जो पेट्रोलिंग करता है, जिसका नाम है वीरा। इंडियन कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल वीरा हैज बीन कमीशन बाय जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एट ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम। कहां पे करा ये, इसकी कमीशन कहां पे किया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में करा। और ये क्या है, इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय लार्सन एंड टुब्रो। तो अब पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो में मैं ये भी बता रहा हूं साथ साथ में कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, कि इंडिया का फर्स्ट जो है इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल उसका नाम बताओ, पहला क्वेश्चन ये है। किसने कमीशन करा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिपिन रावत ने करा। थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है वो कि कहां पर जो है इसका कमीशनिंग हुई, कहां पे हुई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब इसका शॉर्टकट हम कैसे बना सकते हैं, लास्ट वीडियो में भी एक हमने करा था, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम मतलब पति का नाम, पट्टनम मतलब पति का नाम, पति का नाम वीरा, पति का नाम वीरा, देखो पति का नाम वीरा मतलब भाई, पति का नाम भाई तो कोई नहीं रखेगा ना, तो एकदम से एक्सट्रीम शॉर्टकट है ये, कि आपको जैसे ही पति का नाम भाई आएगा, वीरा आएगा, आप जो एकदम से रिकॉग्नाइज कर लोगे कि यार पति का नाम जो है वीरा नहीं होता, इसको आप ऐसे शॉर्टकट बना सकते हो। नेक्स्ट न्यूज है, FC गोवा पिप चेन्नई इन FC टू क्लिंच हीरो सुपर कप। जैसे अगर देखो क्रिकेट में जैसे IPL हो रहा है ना आजकल, तो ऐसे ही क्रिकेट में जैसे IPL होता है, ऐसे ही फुटबॉल में जो है वो हीरो सुपर कप होता है, जो किसने जीता, गोवा ने जीता। अब देखो हीरो बनने के बाद इंसान कहाँ जाता है घूमने, गोवा जाता है, हर इंसान चाहता है जब उसने हीरो बन गया तो अब वो थोड़ा घूम भी आए, तो घूमने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है, गोवा है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हीरो सुपर कप फुटबॉल किसने जीता, गोवा ने जीता। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ICC पार्टनर्स विद यूनिसेफ टू डिलीवर वन डे फॉर चिल्ड्रन एट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC ने जो है पार्टनरशिप करी है किसके साथ, यूनिसेफ के साथ, एक इन्होंने एक इवेंट चलाया है वन डे फॉर चिल्ड्रन, जिसमें जो है फंड रेज किया जाएगा हर मैच में, और जो वो पैसा आएगा उसमें जो यूनिसेफ जो है वो विल, इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग यूनिसेफ वर्क फॉर चिल्ड्रन इन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सिंपल है, देखो यूनिसेफ आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इट प्रोवाइड्स एमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर टू। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ICC ने रिसेंटली जो एक इवेंट नाम इवेंट स्टार्ट किया है, किसकी हेल्प के साथ स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वन डे फॉर चिल्ड्रन, किसकी हेल्प के साथ किया है, यूनिसेफ का। तो इसका तो शॉर्टकट बहुत ही वैसे ही बहुत ईजी है, क्योंकि देखो चिल्ड्रन के लिए इवेंट है और चिल्ड्रन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनिसेफ। और जो पेपर में क्वेश्चन आता है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो वियतनाम बायलेटरल एक्सरसाइज
इंडिया और वियतनाम की जो वायलेटर एक्सरसाइज है उसका नाम है इन बीपीएन वायलेटरल एक्सरसाइज। ये कंक्लूड हुई, कहां पर हुई कंक्लूड? वियतनाम में, रानवे में। ये किसके किसके बीच में? इंडियन नेवी और वियतनाम पीपल नेवी। किसके बीच में? वियतनाम पीपल नेवी। अब वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? वियतनाम पीपल नेवी वायलेटर एक्सरसाइज, तो वायलेट एक्सरसाइज दिया। तो इंडियन नेवी और वियतनाम पीपल नेवी के बीच में जो वायलेटरल एक्सरसाइज हुई वो कहां पर हुई? रान वे में। कहां पर? वियतनाम में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजल डी ब्रीफ इन न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली जो है देखो, आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक इन 2008 सी विजल बिकेम द वेरी फर्स्ट नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी। और जो हमारी जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ को मैंने इसलिए कवर करा है कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ है 7516.6 किलोमीटर कोस्ट लाइन है इंडिया की। एक क्वेश्चन ये आ सकता है। और जो इंडियन नेवी की जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजल है उसका जो है डीब्रीफ कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। तो एक्सरसाइज तो जैन में हुई थी, उसका डीब्रीफ हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में अभी सी विजल का। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, कैनरा बैंक इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि बैंक के बहुत सारे पेपर आ रहे हैं। टू मीट आरबीआई ईएमवी मैंडेट। ईएमवी क्या है? ईएमवी है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। ईएमवी यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। इट बिकम फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू शिफ्ट टू ईएमवी चिप। आपके पास एटीएम कार्ड होगा, आपने देखा होगा पहले जो स्वाइप वाला होता था, अब उसके अंदर चिप आ गई है। तो ईएमवी चिप जो है और जो पिन है बेस्ट ट्रांजैक्शन अक्रॉस द कंट्रीज वास्ट एटीएम नेटवर्क। इसके जितने भी एटीएम नेटवर्क हैं वो सारे जो है अब इस ईएमवी चिप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बैंक जो है पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जो है जिसने आरबीआई की ईएमवी मैंडेट जो है वो फॉलो कर ली, उसका नाम है कैनरा बैंक। सेकेंड ये आ सकता है कि ईएमवी की फुल फॉर्म क्या है? यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, अक्वासी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन जैसे बहुत नया नया चला था तो बहुत फेमस हुआ था। एक क्वाटी क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है लर्निंग क्वाइन। जिसका नाम है लर्निंग क्वाइन। ये लॉन्च करी है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। ये पूरी तरह क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्वासी क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है कि ये एक तरीके से लर्निंग के लिए। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज लॉन्च्ड ए प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड क्वासी क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड एज लर्निंग क्वाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फंक्शनिंग ऑफ द क्रिप्टो असेट्स। The asset will only be available for use within the IMF and the World Bank and it has no monetary value. मतलब ये एक तरीके से पूरी तरह जो है वो ट्रू क्रिप्टो करेंसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक और जो IMF ने इसको जो है एक तरीके से ट्रेनिंग के लिए, चेक करने के लिए कि कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी जो कंसेप्ट है, तो उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके लिए जो इसको स्टार्ट किया है। तो पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो है जो एक नई क्रिप्टो करेंसी क्वासी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट करी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लर्निंग क्वाइन। देखो किस लिए करी? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लर्न करने के लिए करी ना, तो इसको आप सिंपल याद कर सकते हो कि क्योंकि उन्होंने लर्न करने के लिए करी कि कैसे काम करती है, तो उसका नाम क्या कर दिया? लर्निंग क्वाइन कर दिया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ईटी मनी बिकम्स इंडिया फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस ऐप टू इंटीग्रेट विद द यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक तो ये यूपीआई की फुल फॉर्म आ सकती है। सेकेंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी पहली जो है फाइनेंशियल सर्विस बन गई, ऐप बन गई जिसने जो है यूपीआई के साथ जो है इंटीग्रेट कर लिया। तो आप यूपीआई जो है उसकी फुल फॉर्म याद कर सकते हो उसके बारे में। इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम एंड डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये यूपीआई है वो किसने डेवलप किया था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर इंटरबैंक ट्रांजेक्शन। इट helps इन ट्रांसफरिंग funds बिटवीन टू banks अकाउंट थ्रू मोबाइल प्लेटफॉर्म। आपने कई बार देखा होगा, अब आप लोग तो क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हो और यंग जनरेशन हो तो आप लोग तो टेक्नोलॉजी से जल्दी ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। तो आप लोग यूपीआई यूज कर रहे होंगे जब आप शॉपिंग के लिए जाते होंगे। तो यूपीआई जो है बेसिकली किसने डेवलप किया था? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और जो पहली ऐप बन गई फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस ऐप जो है जिसका नाम है ईटी
मनी जिसने जो है यूपीआई जो है इंटरफेस जो है वो अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2019, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है, ये जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये जो 2019 की रिपोर्ट है। अब इसके मेन मेन पॉइंट्स जो है हम याद करेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2010 और 19 के बीच में कितनी ग्रो हुई? 1.2%। कितनी ग्रोथ हुई? 1.2%। और इंडिया की पॉपुलेशन अभी कितनी है? 1.36 बिलियन। और ये जो है डबल द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ चाइना। चाइना की जो है वो कम ग्रो कर रही है, हमारी 1.2% कर रही है। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है 0.5%। कितनी ग्रो कर रही है? 0.5%। और जो चाइना की पॉपुलेशन है वो है 1.42 बिलियन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो इंप्रूवमेंट हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 1969 में 47 थी, 60 ईयर्स होगी 94 में, अब 2019 में 69 है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है? 69 है। 27% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर, 10 to 24 ईयर ईच, वाइल 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज 15 to 64। सबसे ज्यादा जो है 67% कितने में है? 15 to 64 के बीच में है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये भी इंप्रूव होगी इंडिया की। अब ये जो है अभी रिसेंट जो है 174 रहेगी पर 1 lakh लाइव बर्थ्स इन 2015। तो अभी देखो इसमें तो ये तो क्योंकि फिगर्स हैं इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने साथ साथ में बोलना है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही? 1.2%। कितनी है पॉपुलेशन? 1.36 बिलियन। चाइना की कितनी है? 1.42 बिलियन। चाइना की ग्रोथ रेट कितनी है? 0.5। सबसे ज्यादा लोग जो हैं इंडिया में लाइफ जो है वो कौन सी एज ग्रुप में है? 15 to 64 के बीच में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है वो अब कितनी होगी? 69 हो गई। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो कितनी होगी? 174। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस एज ग्रुप में जो है सबसे ज्यादा लोग हैं 15 to 64 के बीच में, कितने हैं? 67% हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, देखो करंट अफेयर के जब भी वीडियो देखते हैं ना, हर चीज में हर बार जो है इंटरेस्टिंग नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्चुअल हैं, उनके शॉर्टकट नहीं बन सकते, आपको याद ही करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप इससे इन वीडियो से भाग नहीं सकते। आप सोचो कि देखो रीजनिंग का वीडियो, मैथ्स का वीडियो तो आप चलो आप क्लासेस में भी कर रहे हो, लेकिन करंट अफेयर का वीडियो तो क्योंकि एग्जाम में आना ही और मेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर ही होता है, ये आपको पता है। तो आपने ये वीडियो सारे अच्छी तरह देखने हैं। नेपाल कैरिड आउट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट नेपाली सैट। अब किस कंट्री ने रिसेंटली अपनी पहली सैटेलाइट नेपाली सैट? नेपाल ने। और ये किसने करी? क्योंकि ये केवल आता नासा ने, नासा से इन्होंने लॉन्च किया, क्या पता इसरो ने करी हो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल की जो फर्स्ट सैटेलाइट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी? नासा ने करी। एक सेम और श्रीलंका की फर्स्ट सैटेलाइट है जिसका नाम है रावणा। अब आपको पता ही है इसका शॉर्टकट तो इजी है कि रावण जो है वो तो श्रीलंका में ही था, ये स्पेस में जो है इन्होंने, ये किसने करी? ये भी नासा ने करी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पेरूज फॉर्मर प्रेसिडेंट एलन ग्रेशिया किल्ड हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट। ये पेरू का जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट था, इसके ऊपर जो है वो ब्राइबरी एलिगेशंस थे जिसके कारण जो है वो इसकी अरेस्ट होने वाली थी, तो इसने जो है अपने आप को जो है वो ही किल्ड हिमसेल्फ। इसका नाम है एलन गार्सिया। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसमें। तो अब हम रिविजन कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने जो है पेपरलेस अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी स्टार्ट करी है, आईडी जिसको आईडी की जरूरत नहीं, अब कह रहा मेरे को कोई आईडी की जरूरत नहीं है, वो है आईडीबी बैंक। गुडविल एम्बेसडर ऑफ द स्ट्रीट चाइल्ड मिठाई बांटी उसने, मिथाली राज हो गया। नेम द स्पेस टेलीस्कोप विच हैज डिस्कवर्ड अर्थ साइज, जिसका नाम है टेस ट्रांजिटिंग एक्सपोनेंट सर्वे सैटेलाइट। इंडियन कोस्ट गार्ड विशाखापट्टनम में, वीरा याद है आपको, पति का नाम वीरा रख दिया। विच टीम हैज वन द सेकेंड एडिशन ऑफ द हीरो, हीरो बनने के बाद वो जो है गोवा घूमने गया। विच ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जो है बच्चों के लिए कर रहे हैं तो यूनिसेफ हो गया। विच इज द डीब्रीफ ऑफ
इंडियन नेवी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजल कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई। व्हाट इज द नेम ऑफ द बायलेटरल नेवी एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम? इंडियन नेवी एंड वियतनाम पीपल नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज, फर्स्ट आंसर आ गया। विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो जिसने एटीएम नेटवर्क जो है वो ईएमवी पे चिप पे शिफ्ट कर लिए, दैट इज कैनरा बैंक। क्वासी क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च करी है जिसका नाम है लर्निंग, क्योंकि लर्न करना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो इसका नाम क्या रख दिया? लर्निंग कॉइन रख दिया। विच फाइनेंशियल सर्विस ऐप फर्स्ट इंडिया टू इंटीग्रेट विद यूनिफाइड पेमेंट, तो इसका नाम था हमारा ईटी मनी। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। विच अरब सिटीज होस्ट 15th एडिशन ऑफ द G20 समिट, इसको याद कर लो, रियाद इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट थी हमारी विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसका नाम था हमारा नॉर्वे। नेक्स्ट है इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी है? 140। इंडियन लॉयर जो हैं जिनका टाइम मैगजीन में नाम आया है अरुंधति काटजू एंड मेरिका गुरुस्वामी, आपको पता ही है साथ में मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी क्योंकि काजू खाते थे और उनको सारे गुरु मानते थे। नेक्स्ट आ गया हमारा विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट एवर सैटेलाइट रावना जिसका नाम था श्रीलंका। नेक्स्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पेरू हु किल्स हिमसेल्फ टू अवॉइड अरेस्ट जिसका नाम है एलन गर्शिया। तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में इस हफ्ते मैं क्या करने वाला हूँ कि इस हफ्ते मैं एट पार लेके आ जाऊंगा आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो इस हफ्ते मैं सारे वीडियो जो है वो कवर कर दूंगा। इस हफ्ते मैं 3-4 वीडियो बना के आपको 28-29 के आसपास लेके आ जाऊंगा। और ऑल द बेस्ट, आपका LIC का एग्जाम है अभी 5th और 6th मई को, तो प्री के लिए ऑल द बेस्ट। मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, अच्छी तरह अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम स्कोर करो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।